दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ये सर्विस प्लस वेबसाइट है, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा जो लॉन्च किया गया है, जो न्यू वेबसाइट है, जहाँ से बाबा बासी आए जाते बनाए थे पहले भी, लेकिन यहाँ पे कुछ दिनों से, एक महीना से आवासीय जाति आय को बंद कर दिया गया है। सर्वर अब जब अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आता है डिसेबल टेम्पररी, ठीक है। तो इस तरह का एक प्रॉब्लम आ रही है जो एक महीने से आ रहा है, तो मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ किस तरह आप बना सकते हैं ऑनलाइन आवासीय प्रमाण पत्र। तो चलिए, इसके लिए आपको ये वीडियो शुरू से अंत तक देखना होगा, तभी आप सही से समझ पाइएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वेबसाइट का लिंक दिया हूँ, जो कि ये आरटीपीएस का वेबसाइट है, ठीक है, ये जो कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार का है, जो कि ओरिजिनल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आपको चले आना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं लोक सेवाओं का अधिकारी, ये ऑफिशियल वेबसाइट जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार का है, ठीक है। ये पुराना वाला वेबसाइट है, वो जो न्यू था वो न्यू, ठीक है। तो न्यू वेबसाइट पे भी बंद कर दिया गया, पुराना वेबसाइट जो है उसी पर भी स्टार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऑनलाइन अप्लाई, यहाँ पे आएंगे तो ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, जो भी हम बताएंगे आपको वीडियो पूरी विस्तार से बताएंगे, इंटरनेट यहाँ काम नहीं कर रहा है तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैंने हमारा इंटरनेट कनेक्ट हो गया है, इंटरनेट प्रॉब्लम थी, तो उसके बाद यहाँ पे कुछ निर्देश है, इसको पढ़ लेंगे। और यहाँ पे लिखा गया है मैं सहमत हूँ, आई एग्री पे क्लिक करेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यहाँ से अगर आप आवासीय आय जाति बनाएंगे तो इसके लिए आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर होना जरूरी है। आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर रजिस्टर रहेगा तभी आप बना पाएंगे। उसके बाद यहाँ पूछ रहे हैं कि आप जो सर्टिफिकेट कहाँ से लेना चाहते, ब्लॉक से लेना चाहते या बिहार भवन न्यू दिल्ली से लेना चाहते, ठीक है। तो मैं ब्लॉक से लेना चाहता हूँ, यहाँ पर ब्लॉक को सिलेक्ट करूँगा। जैसे ब्लॉक को सिलेक्ट किया तो यहाँ पर रिडायरेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको आधार नंबर देना है, जो भी आपका आधार नंबर होगा उस आधार नंबर को आपको इस बॉक्स में इंटर कर देना, ठीक है। जो भी आपका आधार कार्ड है उस इसमें इंटर कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको टिक मार का लगा देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको नेम दे देना है, जो भी नाम आपके आधार कार्ड में, ठीक है, जो नाम आपके आधार कार्ड में वही नाम आप यहाँ पे देंगे। तो यहाँ पे आपको इंग्लिश में नाम दे देना है, जो भी आपके आधार कार्ड में नाम होगा। उसके बाद हिंदी मांगेंगे तो इंग्लिश में जैसे लिखेंगे उसके बाद स्पेस देंगे तो ये ऑटोमेटिक हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी आप इंग्लिश में लिखेंगे स्पेस देंगे तो ये हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप मेरा जो सही स्पेलिंग वो सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद फिर से स्पेस देंगे, यहाँ पर जो सही स्पेलिंग होगा इंग्लिश में लिखेंगे स्पेस देंगे तो हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है क्या बनाना चाहते हैं, आवासीय आय जाति जो भी बनाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ अभी आय प्रमाण पत्र और आवासीय जाति, तीनों आप बना सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आय प्रमाण पत्र अभी नहीं बनाऊंगा, बल्कि हम यहाँ पे आवासीय प्रमाण पत्र बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आवासीय प्रमाण पत्र को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो मोबाइल नंबर होगा उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे इंटर कर लेंगे, जो कि आधार कार्ड में रजिस्टर होगा, ठीक है। जो मोबाइल नंबर आधार कार्ड में रजिस्टर वही मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको इंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके रजिस्टर मोबाइल पे ओटीपी गया, जो कि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर दिया गया उस मोबाइल पे आपको ओटीपी गया, ठीक है। ये ओटीपी तभी जाएगा जब आपका नाम आपका मोबाइल नंबर मैच करेगा तब, ठीक है। तो उस ओटीपी को यहाँ पे दे देंगे, हमें ओटीपी तुरंत मिल चुका है, हमें मेल पे भी ओटीपी मिल चुका है, ठीक है। यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपने ओटीपी को हम वेरीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करने में तो कुछ इस तरह से इंटरफेस, सबसे पहले यहाँ पे अभिवादक में यहाँ पे श्री श्रीमती जो भी वो सिलेक्ट करी, मैं श्री सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ संबंध में यहाँ पे मैं पिता को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे पिता का नाम जो हिंदी में दे देते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हिंदी में नाम इंग्लिश में लिखेंगे स्पेस देंगे तो ये हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लिश में तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे आप इंग्लिश में लिखेंगे स्पेस देंगे तो हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद नीचे में इंग्लिश में देंगे, ठीक है, जो भी आपका नाम होगा पिता का वो आपको यहाँ पे दे देना होगा।
इसी तरह आप मदर का भी नाम यहाँ पे दे सकते हैं, मदर का नाम भी देना जरूरी है। हिंदी में पहले देंगे, इंग्लिश में लिखेंगे, इस पर देंगे कन्वर्ट हो जाएगा इंग्लिश में, हिंदी में, ठीक है। इसे हिंदी इंग्लिश में उसको यार आपको लिंक सेलेक्ट करना है, जिसका बना रहे वो लिंक पुरुष के स्त्री जो भी वो सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपका परमंडल, जो भी आपका परमंडल, जो भी परमंडल आता है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपका परमंडल वो सिलेक्ट कर लेंगे, उसका रिडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका जिला है उस जिले को यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ फिर अनुमंडल, जो भी आपका अनुमंडल उस अनुमंडल को आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। उसके फिर से आ जाने यहाँ पे प्रखंड, आपका जो प्रखंड है वो प्रखंड को आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी आपका ये हो, आपका मोहल्ला का नाम वो देंगे, वार्ड संख्या जो भी वो देंगे, यहाँ पे जो भी आपका पोस्ट ऑफिस है पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पे देंगे। उसके बाद यहाँ पे थाना, जो आपका थाना तो उस थाने को यहाँ पे आपको इंटर करना होगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे ये सब जो हिंदी में दीजिएगा, ये तो एड्रेस दिए आप, मैंने इंग्लिश में दिया हो तो यहाँ पे हिंदी में ही देना होगा, ठीक है दोस्तों। ये पता जो आपको हिंदी में देना, इंग्लिश में नहीं देना, ठीक है, जिससे आपको दिक्कत हो सकता है। हिंदी में लिखने के लिए आपको एक वेबसाइट पे जाना होगा, जो कि गूगल की वेबसाइट है। आपको जो भी पता देना हिंदी में देना है, क्योंकि आपने देखा होगा आवासीय जाति आय पे सही पे हिंदी में पता लिखा रहता है, ठीक है। इंग्लिश में देंगे तो आपको दिक्कत होगा, ठीक है। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, यहाँ से आप हिंदी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको हिंदी कर लेना, ठीक है। उसका जो भी आप व्हाट्सएप पे जिस तरह लिखते उसी तरह लिखेंगे तो यहाँ पे आइए हिंदी में कन्वर्ट करके आपको दे देगा। इसको कॉपी कर लेंगे और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। सारा चीज़ यहाँ पे हिंदी में दे रहा है। उसके बाद यहाँ आवेदन का उद्देश्य, यहाँ पूछ रहा है आप किस लिए बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो या जिसके लिए आप बनाना चाहते हैं यहाँ पे वो दे देंगे, ठीक है। मैं नामांकन, जिसके लिए बनाना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पे लिख देंगे, मैंने लिख दिया हूँ नामांकन हेतु, ठीक है। जिसके लिए बना रहे हैं उसके लिए, जैसे छात्रवृत्ति के लिए आप बना रहे हैं तो छात्रवृत्ति हेतु लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने मदर का नाम नहीं दिया तो उसको फिलअप कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए मैंने सारा चीज फिलअप कर दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, तो इस वेबसाइट से अभी बंद है, ठीक है, सर्विस पुलिस की वेबसाइट से। इसलिए मैं आपको न्यू जो ओल्ड वेबसाइट है जहाँ से अभी बन रहा है उस वेबसाइट से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर इस वेबसाइट से जब भी स्टार्ट होता है, इससे अच्छा होगा कि मैं इससे ये फायदा होता है कि जब भी आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है फिर भी बना सकते हैं, आप ऑनलाइन सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं इस वेबसाइट से। लेकिन अभी प्रॉब्लम आ रही है, बन ही नहीं रहा है, इसलिए इसमें अभी प्रॉब्लम आ रही है। जब भी स्टार्ट होता है इस पे तो मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा। तो इस वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे देख लीजिए कुछ इस तक, यहाँ पे इसको पढ़ने के लिए बोला, पढ़ लीजिए सबमिट एग्री, और यहाँ पे मैं सहमत हूँ तो क्लिक कीजिए। उसके बाद सबमिट बटन पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। सबमिट बटन पे क्लिक कर देते हैं तो ये वेबसाइट जो अभी वर्किंग कर रहा है 100% वर्किंग कर रहा है। कभी कदाल हो सकता है वेबसाइट ओपन नहीं हो, इसलिए आप कुछ देर बाद ट्राई कीजिएगा, लेकिन ये वेबसाइट ओपन हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाती है, आपको रसीद मिल जाए, ये रसीद आप निकाल के अपने कस्टमर को दे सकते हैं। यहाँ प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपको दिखने को मिलेगा। प्रिंट नहीं हो रहा, किसी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रसीद मिल जाता है और यहाँ पे आपको डेट दिया जाता है कब आपको जाना है। इस रसीद को लेकर 18 तारीख को मुझे बुलाया गया, जो भी तारीख आपको रहेगा यहाँ पे उस तारीख को आपको आपको ब्लॉक में चले जाना है, ठीक है। आपके ब्लॉक में RTPS काउंटर जाना है, ये रसीद देंगे तो वहाँ पे आपको आपका प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा, जिसके लिए आपको एक भी रुपये कहीं पर भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। इस तरह बना सकते हैं बिल्कुल फ्री में, आसानी से आप अभी भी ऑनलाइन, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करेंगे ये वीडियो आपको पसंद है, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ फ्रेंड के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपके पास एप्लीकेशन नंबर है, ठीक है, एप्लीकेशन नंबर है, अगर आपने प्रिंट नहीं किया है, ठीक है, जब भी अगर आप प्रिंट करना चाहें बाद में तो बाद में प्रिंट आप कर सकते हैं। और आपको जो भी नंबर था आपका, उस नंबर पर आपको एप्लीकेशन ID भी मिल गया होगा, ठीक है। तो यहाँ जब आप रिसिप्ट को फिर से प्रिंट करेंगे, इस वेबसाइट पर आएंगे, प्रिंट योर रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी देंगे, जो भी एप्लीकेशन आईडी आपको मिला होगा। तो यहाँ पे मैं इंटर करके आपको दिखा देता हूँ,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए हमारा रिसिप्ट आ गया, ठीक है। इसी तरह रिसिप्ट आप कभी भी निकाल सकते हैं और अपने जो भी डेट उस डेट को जाके आप ले सकते हैं RTPS काउंटर के ब्लॉक के RTPS काउंटर से, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।